अब तक हमने रिसर्च में यूज़ होने वाले बेशुमार एआई टूल्स के बारे में बात किया है जो कि आपकी रिसर्च नीड्स को किसी न किसी स्टेप पर पूरा करने वाले हैं, बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम डेवलपिंग योर रिसर्च प्रपोजल टू सबमिटिंग योर रिसर्च आर्टिकल इन अ जर्नल, देर आर डिफरेंट स्टेजेस जिसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स की और डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निकल सपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। सो दीज एआई टूल्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन ईच स्टेप ऑफ योर रिसर्च जर्नी। एआई टूल्स कौन कौन से हैं यार, आपकी कौन से प्रॉब्लम्स को, रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, यू कैन फाइंड देम इन माई एआई टूल्स फॉर रिसर्च प्लेलिस्ट, आपको आई बटन में नजर आ जाएगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें उन तमाम एआई टूल्स को मैंने बहुत डिटेल्स एक्सप्लेन किया है विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर रिसर्च जर्नी। आप उनसे फायदा उठा सकते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्री और गोइंग टू ऑफर यू फ्री ट्रायल्स और यू कैन बाय देम विद द मिनिमम अमाउंट यू कैन इवन थिंक। दिस वीडियो इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस सम न्यू एआई टूल्स जो कि आपकी रिसर्च जर्नी को और भी ज्यादा आसान करने वाले हैं एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप टिल द एंड जो भी आपको टास्क, जो भी आपको प्रॉब्लम्स पेश आ रहे हैं रिगार्डिंग योर रिसर्च जर्नी, ये उन सबको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, यू नीड अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। आज से पहले हम इसको मैनुअली करते आए हैं ऑन आर रजिस्टर्स, ऑन आर मैनुअल फाइल्स, लेकिन या हम अपने फोल्डर्स में इन चीज़ों को मेंटेन करते थे, लेकिन वहाँ पर हमारी चीज़ें विजुअली हमें हमारे लिए इतनी क्लियर नहीं होती थी। तो देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो कि बिल्कुल फ्री हैं, जिसमें ट्रेलो है। ट्रेलो में भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप की ऑप्शन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन शेयर इट विद योर मेंटर्स, आप उसमें एडिटिंग्स कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप उनको जो है वो अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह नोशन जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नोशन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डैशबोर्ड है, आप यहाँ पर कोई भी अपनी टीम स्पेस जो है उसको क्रिएट करके, फॉर एग्जाम्पल माई थीसिस मटेरियल जो है उसको करते हैं, तो यहाँ पर आपके टास्क हैं, प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पर आप इनके अंदर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप किसके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, आपकी डेट्स क्या हैं, ब्लॉक बाय और किसको आपने शेयर करना है एंड ऑल दैट। जब आप इस टूल को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपके प्रोजेक्ट को कितना ब्यूटीफुली मैनेज कर रहा है, आप किन टास्क के ऊपर काम कर रहे हैं, किन की प्लानिंग कर रहे हैं, किन को कंप्लीट कर लिया है, कौन से अंडर कंप्लीशन है, कौन से अंडर रिव्यूज हैं। इवन जब आप अपना थीसिस जो है अपने सुपरवाइजर को भेज रहे हैं फॉर चेकिंग प्रोसेस, तो आप उसका एक अलग से टाइम स्पेस क्रिएट करके उनको क्रिएट कर सकते हैं कि कौन से आपके जो चैप्टर्स हैं वो फाइनल हो चुके हुए हैं, कौन सा लिटरेचर है जो आपने फाइनल कर लिया है, कौन सा रिव्यू है। तो आप अपने सारे प्रोसेस को, सारे जो भी आपकी रिसर्च जर्नी का मटीरियल है, प्रोसेस है, उस सारे को इस क्लाउड बेस्ड स्पेस में रख सकते हैं जिसको आप किसी भी सिस्टम पर कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। आपका अपना सिस्टम या लैपटॉप आपके पास होना जरूरी नहीं है और आपका जो डाटा है दैट विल बी वेल मैनेज्ड डाटा। देन हाउ यू हैव टू कलेक्ट द रिलेटिव डाटा जो आपको हेल्प करे आपके थीसिस राइटिंग में या आपकी रिसर्च राइटिंग में। आपने साथ साथ डेफिनेटली जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं उससे पहले आप प्रपोजल्स बनाते हैं तो आपको लिटरेचर चाहिए होता है और साथ साथ भी आपको लिटरेचर चाहिए होता है। देर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म जो कि आपको इस हवाले से गाइड करने जा रहे हैं। यू कैन यूज SCITE साइट फॉर गेटिंग द आइडियाज एंड गेटिंग द लेटेस्ट साइटेशंस ऑन योर रिसर्च टॉपिक। इसके अलावा आप सोर्सली को यूज़ कर सकते हैं। सोर्सली इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन योर रिसर्च टॉपिक। उसके ऊपर जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितना भी लेटेस्ट काम हुआ हुआ है, वो आपको उनके लेटेस्ट के सोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। सो आप इस यहाँ से फ्री जो है इसका पैकेज वो भी ले सकते हैं, इसको सब्सक्राइब इनके न्यूज़ लेटर को कर सकते हैं। और उसके बाद जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर लॉग इन हुई हुई हूँ, तो वट आई कैन डू, आई जस्ट हैव टू गो देयर एंड टाइप माई टॉपिक एंड फाइंड सोर्सेज। ये आपको लेटेस्ट सोर्सेज जो कि आपका टॉपिक के ऊपर लेटेस्ट काम है उसके हवाले से आपको अपडेट करता है। सो यू हेयर यू कैन फाइंड अ पेपर जो कि 2022 में पब्लिश हुआ है, 2021 में पब्लिश हुआ है, 2021 में पब्लिश हुआ है एंड वट यू कैन हैव इफ़ यू बाय इट्स प्रीमियम पैकेज। तो आप यहाँ पर उसकी समरी जो है उसको भी फाइंड कर सकते हैं। जब आप अपना लिटरेचर कलेक्ट कर लेते हैं बाई यूजिंग ऑल दीज टूल्स, आप सिमेंटिक स्कॉलर का यूज कर सकते हैं, आप साइज स्पेस का यूज कर सकते हैं टू गेट द रिलेटिव डाटा। लेकिन साइट एंड सोर्सली जो है दे आर मोस्ट रिकमेंडेड बिकॉज ये आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और आपके मोस्ट साइटेड पेपर जो है आपको प्रोवाइड करते हैं। उसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं। जब आप साइट को स्पेसिफिकली देखेंगे, आई हैव अ डिटेल वीडियो ऑन इट कि आप यहाँ से कौन कौन से बेनिफिट्स लिख सकते हैं, यू कैन विजिट बैक क्लिकिंग ऑन माई आई बटन। अब जब आपके पास बहुत सारा लिटरेचर आ जाता है तो आपके पास राइटिंग के प्रॉब्लम आते हैं, तो यू कैन यूज पेपर डाइजेस्ट विच इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अगेन लिटरेचर रिव्यू ऑप्शन एंड टेक्स्ट राइटर ऑप्शन। लिटरेचर रिव्यू को जब हम क्लिक करते हैं तो यू कैन सी, यू कैन फाइंड लिटरेचर रिव्यू ऑन एनी टॉपिक।
यहाँ पर हमने एप्लीकेशन फेमिडाजोल बेस्ड आने के लिए लिखा है, तो पेपर डाइजेस्ट के लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आप पेटेंट भी लेना चाहते हैं, आप ग्रांट लेना चाहते हैं, आप क्लिनिकल पेपर्स लेना चाहते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहते हैं, पास्ट ईयर के पेपर लेना चाहते हैं या पास्ट 5 ईयर के लेना चाहते हैं या एनी टाइम लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास रिलेटेड वर्क जो है साइटेशंस के साथ उनके जर्नल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग आ जाएगी, और यहाँ पर वो आपको इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ सारे पेपर्स को एक यू कैन से एक समरी की फॉर्म में जो है वो दे देगा। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से इसी पैराग्राफ को कॉपी करके इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, तो आपके पास एक इनिशियल ड्राफ्ट जो है वो आसानी से आ जाएगा। इसी तरह जब हम इसके टेक्स्ट राइटर ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट अपना जो है जिसको आप रीराइट करवाना चाहते हैं उसको पेस्ट करके इसे रीराइट भी करवा सकते हैं, आप उसको पैराफ्रेज करवा सकते हैं, आप उसके क्वेश्चनिफाई उसको करवा सकते हैं, उसको समराइज करवा सकते हैं। सो हेयर इज द रिजल्ट और उसके रेफरेंसेज जो है उसने हमें अलग से दे दिए हैं। इसी तरह हम इसको समराइज हम इसके क्वेश्चनिफाई इसको करवाते हैं एंड देन वी विल सी कि हमारे पास किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। सो वी हैव डेवलप मल्टीपल क्वेश्चंस और क्वेश्चंस की फॉर्म में कोई एक इन्फॉर्मेशन है आपको उसके क्वेश्चंस बनाने हैं, आपको स्टूडेंट्स के लिए डाटा चाहिए, तो आप यहाँ से भी इस तरह से भी इससे क्वेश्चंस जो है उनको भी जनरेट करवा सकते हैं, कोई एक इन्फॉर्मेशन देके आप उसको मल्टीपल तरीकों से इससे जो है वो रीराइट करवा सकते हैं। सो दिस इज अ ग्रेट टूल विच आई रिकमेंड टू ऑल द यंग रिसर्चर्स एंड प्रोफेशनल्स आल्सो टू सेव देयर टाइम एंड देयर एनर्जी। फिर उसके बाद एक और टूल है हमारे पास जो कि आपको इसी तरह पेपर जो है उसको एडिट करने की और राइटिंग प्रोसेस में आपको हेल्प, दैट इज द paperpal.com। इन तमाम टूल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यहाँ पर आप अपना इसी तरह से न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो भी कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, या आप अपना डॉक्यूमेंट जो है उसको अपलोड भी कर सकते हैं। ये जब हम करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप की स्कैनिंग्स जो है स्टार्ट हो जाएंगी हमारे पास, और हम इसमें डिफरेंट तरह की कुरेक्शंस जो है वो कर सकते हैं, हमें कुरेक्शन सजेस्ट करेगा एंड बाय क्लिकिंग दैट कुरेक्शन हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर ऑटोमेटिक कुरेक्शन जो है वो होती जाएगी। सो फॉर एग्जांपल ये एक कुरेक्शन है, उसने ये कहा है कि इस पैराग्राफ में आपको ये देखें स्टडी सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉवल अमीडाजोल एंड बेंजामिडाजोल बेस्ड सल्फोनिक एसिड ग्रुप फंक्शनलाइज ब्रोंस्टेड एसिडिक लिक्विड कैटलिस्ट। उसने कहा है कि सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉवल, तो ये एक उसने टाइटल की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दी है जिसको उसने सेंटेंस की फॉर्म में जो है वो हमें सजेस्ट कर रहा है, तो जब हम इसको एक्सेप्ट ऑल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टडीज द सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉवेल अमीडाजोल एंड बेंजामिडाजोल बेस्ड सल्फोनिक एसिड ग्रुप फंक्शनलाइज ब्रोंस्टिक एंड एसिडिक आयनिक लिक्विडोलाइसिस। उसने उसको ज्यादा अच्छे तरीके से हमें जो है वो लिख के दे दिया। इसी तरह जितनी भी सजेशंस आपको आई हैं आप उनको एक्सेप्ट करते जाएं, आप उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और आपकी मर्जी है, और यहाँ पर आप जो है इसके सैनोनम जो हैं वो भी आपको ले सकते हैं, अगर आपको इसका लिखा हुआ पसंद नहीं आ रहा तो आप रीराइट भी करवा सकते हैं, आप ट्रिम भी टेक्स्ट को करवा सकते हैं आपके पास जो अवेलेबल है, और अगर इसका आप प्रीमियम वर्जन परचेज करना चाहें तो लेट्स सी इसकी क्या प्राइसेस हैं, कि ये आपको फ्री में 200 वर्ड पर मंथ देता है, 25 यूजर्स ऑफ एकेडमिक ट्रांसलेशंस, तो 25 यूजर्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल सेमिनार, 10 यूजर्स ऑफ फ्री राइट, 10 यूजर्स ऑफ ट्रिम टेक्स्ट, तो ये आप इसके फ्री में ले सकते हैं। और अगर आप इसका जो है पेड और प्राइम वर्जन परचेज करते हैं तो यहाँ पर अनलिमिटेड टेक्स्ट है जो आपको, जब आप लिख रहे होते हैं तो आप इस तरह के टूल्स जो हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, ये आपको ज्यादा चीपर और ज्यादा एफिशिएंट रिजल्ट्स जो हैं वो देते हैं। देन जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली सब कुछ आप टूल से नहीं लिखवा रहे, आपने बहुत कुछ मैनुअल करना है, अपने इंफॉर्मेशन को आपने खुद से देखना है कि ये हमारी इंफॉर्मेशन सही लिखी गई है नहीं सही लिखी गई, हम इसको रीराइट करते हैं। यू शुड बी अ क्रिटिकल पर्सन और आपको गलत और सही का पता होना चाहिए, ये टूल आपको जो भी दे रहे हैं डेफिनेटली आप उसको ऐसा नहीं डालने जा रहे, आपको अपने डॉक्यूमेंट की टोन का, अपने सेंटेंस के स्टार्ट होने का, सेंटेंस किस तरह से एंड होगा, कौन से जो टोन है एक्टिवाइज पैसिवाइज आपने यूज करनी है, ग्रामर मिस्टेक्स आपने कैसे यूज कर जो है उसको ठीक करना है, उसके लिए ग्रामरली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने जा रहा है, आप उसकी माइक्रोसॉफ्ट के एक्सटेंशन कर सकते हैं, आप गूगल क्रोम के एक्सटेंशन कर सकते हैं जो कि आपके ग्रामर के मिस्टेक्स जो है उनको दूर करेगा। देन उसके अलावा एक एकेडमिक फ्रेज बैंक है जो कि आपको इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूसिंग वर्क रेफरिंग टू सोर्सेज डिस्क्राइबिंग मैथड्स रिपोर्टिंग रिजल्ट डिस्कसिंग फाइंडिंग राइटिंग कंक्लूजन बींग अ राइटर आपने किस तरह से अपनी राइटिंग को स्टार्ट करना है और किस तरह से प्रोफेशनल बनाना है फॉर ईच एंड एवरी स्टेप एंड फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस एंड फॉर ईच एंड एवरी राइटिंग प्रोसेस, ये आपको बहुत सारी सजेशन देता है और आपको हेल्प करता है, आपकी राइटिंग एबिलिटीज को इंप्रूव करता है। तो बीइंग एकेडमिक राइटर एंड बीइंग अ पर्सन हु इज इन रिसर्च यू शुड विजिट दिस प्लेटफॉर्म दैट इज एकेडमिक फ्रेज बैंक, ये आपको आपकी रिसर्च राइटिंग में प्रोफेशनल लेवल तक बहुत सारी चीजें सिखाएगा। सो बीइंग अ क्रिटिकल आप जो है किस तरह से इसे हेल्प हाईलाइटिंग अपने प्रीवियस स्टडीज को आपने किस तरह से हाईलाइट करना है, आइडेंटिफाइंग वीकनेसेस इन द सिंगल स्टडी और अ पेपर आपने उसको किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से आप उसका जो है वो टेबल बना सकते हैं, कौन कौन से सेंटेंस जो हैं आप उनसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से टाइटल्स उनके लिए आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह जब आपने रिपोर्टिंग करनी है रिजल्ट्स की, रिजल्ट एंड डिस्कशन चैप्टर लिखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग अ पॉजिटिव रिजल्ट आपने किस तरह से स्टार्ट करने हैं,
नेगेटिव रिजल्ट्स आए हैं तो उनको आपने किस तरह से कोड करना है, रिपोर्टिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिएक्शंस, हाइलाइटिंग इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग रिजल्ट्स, तो कुछ आपकी स्पेसिफिक टर्म्स हैं एकेडेमिया में जो अगर आप यहाँ से यूज़ करेंगे तो आपकी राइटिंग को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना देंगे, आपके रिजल्ट्स को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना देंगे, बजाय इसके कि मीनिंगलेस और यूजलेस और लीस्ट इम्पैक्टफुल वर्ड्स को आप यूज़ करें. So you should go and visit this website also. Then you have to, after doing all your writing, you have to design a specific kind of infographic or kisi khas kisam ki aapne ko flowchart diagrams banani hai. Uske liye aap Canva use kar sakte hain. I talk about Canva, ki Canva aapko multiple features deta hai. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी प्रोसेस ड्रॉ करना है तो कैनवा आपको ये सारा प्रोसेस ड्रॉ करने में हेल्प करता है. या आप किस तरह से कर सकते हैं, यू कैन वॉच माई वीडियो, लेटेस्ट वीडियो के आप प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाते हैं उसमें मैंने सारे डिटेल से आपको बताया है कि आप किस तरह से कैनवा का यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन, अपने थीसिस डिफेंस को प्रिपेयर करने के लिए. यू कैन डिज़ाइन योर पोस्टर्स, यू कैन डिज़ाइन एनी थिंग विच यू आर गोइंग टू प्रेजेंट ग्राफिकली और बाई यूजिंग सम फिगर्स, उसको आप कैनवा पर डिज़ाइन. फ्रंट आपको साइजेस मिलेंगे किस तरह का डॉक्यूमेंट के क्या साइज़ है वो यहाँ से जाकर आप यहाँ पर इसकी सेटिंग्स में कर सकते हैं रीसाइज करके, और यहाँ से आपको कौन सा इसका साइज़ चाहिए आप उसी हिसाब से ये देखें. यहाँ पर बेशुमार ऑप्शन हैं, यहाँ से आप अपने डिज़ाइन को रीसाइज कर सकते हैं और डिज़ाइन प्रिपेयर कर सकते हैं. देन फॉर मोर प्रोफेशनल डिज़ाइन एंड जितने भी बायो साइंसेस के डिज़ाइन हैं उनके लिए आप बायो रेंडर यूज़ कर सकते हैं. बायो रेंडर के ऊपर भी आपको क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन में जाके एलिस्ट्रेशन फॉर एग्जांपल आपने डिज़ाइन करनी है तो यहाँ से आपने जो भी ड्रॉ करनी है चीज़ आप यहाँ पर इसके सर्च इंजन में जाके उसके बारे में लिखेंगे तो आपको फॉर एग्जांपल हमने प्रोटीन्स के बारे में करना है, एंजाइम्स हैं, तो यहाँ से आपको उन सब का स्ट्रक्चर जो है मिल जाएगा. अब आप उनकी फ्लो चार्ट बनाना चाह रहे हैं, लाइंस लगाना चाह रहे हैं, उनके प्रोसेस को समझाना चाह रहे हैं तो बड़ी आसानी से यहाँ से आप जो है उनको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप की ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास, और यहाँ पर आप कोई सभी आइकॉन, कोई भी सिस्टमेटिक आपने कोई प्रोसेस आइडेंटिफाई बताना है तो वो फिगर्स, वो चीज़ें जो आपको कैनवा पे नहीं मिल रही हैं आपको बायोरेंडर पे मिल जाएंगी. लेकिन अगेन बायोरेंडर इज जस्ट हेल्पिंग यू टू ड्रॉ दीज काइंड ऑफ साइकल्स और दीज काइंड ऑफ प्रोसेस ऑल्सो. लेकिन कैनवा आपकी एकेडेमिक और आपकी प्रोफेशनल डिजाइनिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा है, बिकॉज कुछ भी जब आप विजुअली पेश करते हैं तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है. तो मेरे प्रोफेशनल करियर में व्हेन आई वाज डूइंग एकेडेमिक्स तो तब कैनवा का कोई नहीं था, वजूद नहीं था, बट इन माय प्रोफेशनल करियर मेरा एक दिन भी नहीं गुजरता कि मैं कैनवा को यूज ना कर रही हूँ और कैनवा मेरे इस्तेमाल में ना आ रहा हो. तो एवरीथिंग विच यू सी ऑन माय प्रोफाइल, माय पोस्टर डिजाइंस, माय थंबनेल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग एंड बहुत सारे वीडियो इन्फॉर्मेशन जो है वो भी कैनवा पर डिजाइन हो रही होती है. सो इट्स गोइंग टू ऑफर यू अ मल्टीपल फीचर्स जो कि आपकी एकेडेमिया में भी काम आते हैं, यू कैन गो एंड एक्सप्लोर इट. So this is all about the AI tools. So this is all about the mind-blowing PhD tools which are going to help you in your research career, in your academia even. आप definitely जब आप academia में होते हैं तो आप बहुत सारे resources को manage कर रहे होते हैं, आप बहुत सारी assignment, presentation, writing process से, researching process से गुजर रहे होते हैं. तो you can find these tools evenly helpful in your master's or your undergraduate degree as much as in your graduate degree. तो go and share with your colleagues, share with your teachers and share with your fellows ताकि ये information ज़्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचे. और चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, बिकॉज आई एम हेल्पिंग यू टू मेक यू अ सक्सेसफुल रिसर्चर, आई एम हेल्पिंग यू टू मेकिंग योर करियर ब्राइटर एंड शाइनर, एंड हाउ यू कैन लर्न ट्रांसफॉर्मेबल स्किल्स जिस तरह मैंने सीखी. और मैं PhD केमिस्ट्री से फुल टाइम एक डिजिटल क्रिएटर बनी. सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम्स इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर रिसर्च प्रॉब्लम्स. आई विल ट्राई टू कवर दैम इन माई अपकमिंग वीडियोज. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.